आईपीएल क्रिकेट के नाम पर चल रहा लाखों रुपए का सट्टा बालाघाट पुलिस ने पकड़ लिया है। 12 मई की रात को आईपीएल प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला जा रहा था। इस दौरान सट्टा अपनी चरण पर था। फाइनल मैच अंतिम मुकाबला और सटोरियों का जैसे महात्योहार है। इस बीच बालाघाट पुलिस ने बालाघाट महाराष्ट्र की सीमा पर लगे गांव में एक आईपीएल का सट्टा पकड़ा। जानकारी देते हुए सीएसपी श्री देवेंद्र यादव ने बताया कि 13 मई को थाना प्रभारी कोतवाली राजगांव में गजानन पेड़ाकर के मकान पर आईपीएल का सट्टा लिखे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। वरिष्ठ अधिकारियों का अवगत कराया गया था। पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आकाश भूरिया और नगर पुलिस अधीक्षक श्री देवेंद्र यादव के मार्गदर्शन में टीम सट्टा पर रेड मारने की गई थी। मौके पर कार्रवाई की गई तो गजानन पेड़कर वार्ड क्रमर 7 राजगांव तथा अखिलेश डेरे निवासी राजगांव को आईपीएल का सट्टा लिखते दोनों को कब्जे से कुछ 4,80,300 रुपए, 6 मोबाइल, 1 टीवी रिमोट तथा सट्टा अंक का हिसाब लिखित इन रजिस्टर जब्त किए गए। इस पूरे सफलता में बालाघाट श्री महेंद्र सिंह ठाकुर, उपनिरीक्षक श्री रत्रितेश पांडे, उपनिरीक्षक श्री विजय सिसोदिया, श्री कमलेश तिवारी प्रधान अध्यक्ष, प्रधान आरक्षक प्रभु दयाल, आरक्षक श्री पवन, श्री नंदू लिल्होरे, श्री गुलाब सिंह, श्री हेमंत चौहान, श्री अतुल बोचपे उक्त कार्रवाई में शामिल थे। रात्रि में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि रजे गांव में जो है एक जगह आईपीएल का सट्टा खिलाया जा रहा है, जिसमें कि जो है थाना प्रभारी कोतवाली और रजे गांव से जो है चौकी प्रभारी को साथ में भेजा गया, जिसमें कि जो है वहां पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया मौके से, जिसमें कि जो है एक गजानन पिंडार था, दूसरा अखिलेश दायरे नाम 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनके कब्जे से जो है लगभग 4,80,000 रुपये का केस जब्त किया गया, साथ में 6 मोबाइल रजिस्टर जिसमें कि जो है वो आईपीएल का सट्टा लिख रहे थे, वो गिरफ्तार किया गया। उनको आज जो है मौके की जो भी कार्रवाई होने के बाद आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है, उनकी अभी तस्दीक की जा रही है। प्राथमिक तस्दीक पता चला क्या? नहीं, अभी नाम हमें नहीं, नाम हम नहीं है उसमें, उन सट्टे का जो भी उनका लेखा रोका वो लेकर लिखा है कि सट्टा खिलाने वाले अन्य व्यक्ति। हाँ, मैंने वही कहा जैसे अभी पूछताछ बाद और आगे जो है उसमें आगे जो भी इनका चैनल है उसको हम कोशिश करेंगे तो ट्रेस किया जाए। बालाघाट से किसी का लिंक है कोई व्यापारी या कोई? अभी फिलहाल प्रथम दृष्टया जो है कोई ऐसा मामला नहीं है, मतलब नए संज्ञान में आई चीज, लेकिन जैसा मैंने बताया हमको पूछताछ में बाकी जो रजिस्टर का अवलोकन करने का आगे भी जो है ट्रेस किया जाए। स्थानीय स्तर का सट्टा जो था या नहीं, जैसे मैंने बताया आईपीएल का है, उनका रजिस्टर है, उसका अवलोकन किया जा रहा है, उसके अवलोकन के बाद में जैसे मान लो आगे और आरोपी बढ़ेंगे तो उनको बढ़ाया जाए।